ओ बारिश स्टार्ट हो गया खतरनाक बहुत तेज। हे गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे, गुड फ्राइडे, गुड। आज है फ्राइडे और गुड फ्राइडे है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं क्रूज रास्ता के लिए, तो आप लोग को भी ले चलते हैं कलवारी पहाड़ की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को भी कि वहाँ का जो दृश्य था वो कैसा था, वो तो क्या क्या था, क्या क्या सीन, मतलब कैसा कैसा था, वो सब आपको दिखाते हैं और आप लोग व्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे। आज का मौसम देखो बड़ा अच्छा है। प्रभु यीशु के घोर दुख भोग व मरण के कारण धर्म मंडली के भी दुख की चरम सीमा का दिन है। स्मरण करते हुए पश्चाताप हृदय के लिए प्रभु की माता मरियम के साथ क्रूस पथ पर प्रार्थना करें। सूली के साए आंसू बहाके आए हैं हम प्रभु को सुनाया सदा रहा जो गुनाहों से दूर ठहरा दिया उसे कोई दुष्कर ठहरा दिया उसे कोई दुष्कर हम पापियों को जिसने बुलाया हमने ही उसको बिसरा दिया हे मुक्ति दाता हे मेरे है हम तेरी सूली के साए के साए। पहला स्थान यीशु क्रिस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। क्या अभियोग लगाते हैं? महामहिम, यह मनुष्य जनता में विद्रोह फैलाता है। हाँ। क्या ये सही कह रहे हैं? यह मनुष्य अपने को यहूदियों का राजा कहता है। क्या ये लोग सही कह रहे हैं? तुम अपने हाँ। आपको यहूदियों का राजा मानते हो? जी हाँ, ये ठीक ही कहते हैं। मैं यहूदियों का राजा, लेकिन मैं इस मनुष्य पर कोई दोष नहीं पाता हूँ। मैं इसे आप लोगों के हवाले करता हूँ, आप ही लोग इसका न्याय कीजिए। विनती। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। उपहास करती जनता के बीच चला तू कलवारी यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। इस स्थान में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, केवल उस दिन ही नहीं आज भी आप लोग के बीच क्रूस ढोता आ रहा हूँ। आइए तीसरा विश्राम। यीशु के नीचे पहली बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं। एक दूसरे के लिए दुख की तलवार की उनके प्रेम को छेदती थी। विनती। हे मधुर यीशु, उस दुख के द्वारा जिसको तुझे इसमें उठाना पड़ा चलते ही जाए हम गिर भी पड़ो अगर कहीं तो मुस्कुराओ तुम
काटे हो राह पर कभी चलते ही जाए हम जीवन नया मिलेगा हर मोड़ पर हमें चलना तो सबको ही पड़ेगा लेकर के साथ में गम को भुला के यीशु के पास आए हम गम को भुला के यीशु के पास आए हम विश्राम कुरेन निवासी सिमोन यीशु को क्रूस ले चलने में मदद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं। छठवां स्थान एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। बिनती हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था पर इस दुख के मार्ग में घाव और रहो के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर भी मेरी आत्मा भी सुंदर थी पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता उड़ गई। दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने भजन दुख से हमारा इस दुनिया को बचाया। रोती कलपती स्त्रियां यीशु से सांत्वना। यरूशलेम की रोती कलपती स्त्रियों में से एक मैं बोल रही हूँ। दुनिया के इतिहास में क्या कभी कहीं किसी नारी की आवाज सुनी गई? दुनिया के बनाने वाले को ही मिटाने वाली दुनिया में नारी शक्तिहीन अबला समझी जाती है। सर्वशक्तिमान को इतनी यातना देने वाले आज तक हम नारियों को उत्पीड़ित करने में तुले हुए हैं। क्रूसधारी यीशु की ऐसी मार्मिक और दारुण दशा देखकर हम अपने आंसू रोक नहीं सकते। यीशु ने अपने प्रेम पूर्ण नैनों से हमको देखा और कहा, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। इस कथन का अर्थ उस समय मैंने नहीं समझा। वर्तमान में बच्चे, युवा पीढ़ी व महिलाएं टीवी, सीरियल एवं चैनलों के गुलाम बन गई हैं। नारी शोषण व अत्याचार का शिकार बनती जा रही हैं। महिला आरक्षण, नर नारी का समान अधिकार को लेकर प्रतिवर्ष बहसबाजी, नारा के अलावा कुछ ठोस कदम उठाया ही नहीं जा रहा है। इन सब के बारे में सोच समझ कर यीशु ने वही कहा था, समाज की छोटी इकाई है परिवार। उस परिवार की मूल जड़ महिला माता है। ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें नारी गरिमा, नारी उत्थान हो, माताओं और बच्चों का आदर सम्मान हो। रक्त प्रवाहित हो रहा है जैसे धोबी घाट के पत्थरों पे
गंदे मैले कपड़ों की बारंबार धुलाई से कपड़े चिरकर कट जाते हैं। वैसे यीशु की प्राण पीड़ा से मुझको तड़प रहे हैं। लड़खड़ाते कदमों से यीशु मुझ पर तीसरी बार गिर पड़े। एक अटल पहाड़ होते हुए भी यीशु की दर्दनाक स्थिति ने मुझे हिलाकर रख दिया, जबकि भारी भीड़ तमाशा देख कर खड़ी थी। क्या आप भी उनमें से एक हैं? जब सगे भाई की निर्मम हत्या होती है, उसे देख आपके मुंह से आवाज निकली, बेचारा, और आप वहां से खिसक जाते मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या यही मानवता है? दूसरों का जीवन अपने जीवन के समान मूल्यवान मानने में ही असली मानवता है। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों का साथ दे, यही मानवता है। अपने स्वार्थ का अंधेरा मिटाएं, सेवा का दीप प्रज्वलित कर मानवता को अमर बनाएं। करते और आपको धन्य मानते हैं। तूने अपने प्रभु क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी पहुंचने पर सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उनके घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके हुए मर बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी। कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। पापी वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की बारहवां विश्राम।
यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धनिया मानते हैं। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही थाली से बगल छेद देता है और तुरंत लहू और पानी बहने लगता है। फिर यीशु और निकोदेमुस नामक यीशु के दो शिष्य उनकी पवित्र लाश क्रूस पर से उतार कर कि मैं अपने जीवन में आने वाले दुख तकलीफों को सहर्ष स्वीकार कर सकूं और हे माता मरियम, प्रभु यीशु को अपने में धारण करने के समय से लेकर क्रूस के बलिदान तक आपने हमारे मुक्ति कार्य में सहभागिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाई और आनंद प्रदान करती हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम ख्रिस्ती होने के हमारे गौरव के अनुसार अपना जीवन बिता सके। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस प्रभु में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। तूने जो नाम महाया है सारी चाह। चौदा स्थान यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम जाओ ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा जो पहले रात ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अघरू का समिश्रण लाया। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वही रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। धर्म में याद है, यदि हम क्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है हम उनके विश्वास जीवन में भी भागी होंगे। हम का अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। अब हम लोग पानी पीने जा रहे हैं। पानी पीने गए आधे लोग यहाँ और आधे लोग ऊपर मिस्सा में चले गए हैं। मिस्सा शुरू होने वाला है, चर्च में गए मतलब। बोल 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 बोल
सब थक गए हैं, सब थक गए, क्रूस रास्ता करके सब थक गए हैं। हाँ जानती हूँ, तू ही सबसे ज्यादा थकी है। ये यरूशलेम की स्त्रियाँ हैं, ऐसे रहते हैं, देख लीजिए यरूशलेम की स्त्रियाँ और दो अलग अलग बिल्कुल, और दो स्त्रियाँ वीडियो बना रही है, यरूशलेम की स्त्रियाँ और ये दो स्त्रियाँ पानी पीने जा रही है। प्रभु के रूप को वर्णन करते हैं, आइए आप ये पाठों को ध्यान पूर्वक सुने और आदरणीय फल पाए। Thank you.
अब डिस्कस हो रहा है कि हम लोग को सॉन्ग प्रैक्टिस भी करना है, तो परमिशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। लोग जल्दी नहीं आ रहे यार, भूख लग रही हो। देखो बातें कर रहे हैं सबके सब यहाँ पर, जो कल पार्ट पड़ेगा ईस्टर वाले दिन, उन लोग अपना अपना पार्ट देख रहे हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। और वहाँ पर जो भी दान दिया गया है उसको गिन रहे हैं, बाकी पूरे पब्लिक चली गई है नीचे, चले गए मतलब सब सब। ओ बारिश स्टार्ट हो गया खतरनाक, बहुत तेज पानी स्टार्ट हो गया, बारिश हो गया है, हो रहा है बहुत तेज। नहीं बारिश नहीं हो रहा है, सिर्फ आंधी तूफान चल रहा है, बहुत ज्यादा ही आंधी तूफान चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है बारिश हो रहा है। गाइस लाइट चला गया, लाइट आजा 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 कैंसिल हो गया मौसम बेकार के चक्कर में। अब हम जा रहे हैं वापस घर। अब अंशी अंशी क्या हुआ बता, अंशी इधर आ क्या हुआ, क्यों प्रैक्टिस नहीं हो रहा? ये हम सुबह इस क्लास को देखो सत्यानाश करके गए हैं, सुबह हम लोगों ने घर जा रहे हैं, ये हम लोग ने आज सुबह आके बनाया है। तो गाइस वो घर वापस आ गए हैं और हम लोग वहाँ पे चर्च में रुक कर कल की तैयारी करने वाले थे, मतलब सॉन्ग प्रैक्टिस और चर्च डेकोरेशन और कुछ कुछ हाथों से बनाकर हम लोग डेकोरेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले थे, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आंधी तूफान आ रहा था, बहुत तेज, तो हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, तो वो कैंसिल हो गया, तो हम लोग घर आ गए, तो हम घर वापस आ गए हैं। और गाइस आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा रहा तो आप बताना, कमेंट्स करना। और आज का जो क्रूज रास्ता था हमारा, वो हम लोग ने बहुत अच्छे से अटेंड किया और मौसम भी बहुत अच्छा था। हाँ आज प्रभु यीशु ने बहुत साथ दिया है, मौसम बहुत अच्छा था आज का, बिल्कुल धूप नहीं था, बिल्कुल नहीं, तो नहीं तो जाने से पहले तक बहुत धूप भी था ना, बहुत मौसम खराब था, पर उस टाइम जैसे ही क्रूज रास्ता स्टार्ट हुआ वैसे ही मौसम प्रभु की आशीष मिली हमको, जिससे कि हम लोग अच्छे से प्रभु के दुख भोग में शामिल हो सके। और हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रभु के दुख भोग में शामिल हुए। और हम लोग आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल ईस्टर है तो कल हम लोग आपको कल का भी व्लॉग बताएंगे कि ना कल का व्लॉग कैसा रहा है, तो कल की तैयारी भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये वाला वीडियो तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री।